चिल्ड्रन, दिस इज़ अ क्लास थर्ड ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम रिवीजन असाइनमेंट 4 और 5 करेंगे। फर्स्ट है मेक सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, उनके आप सेंटेंसेस बनाते हैं। गेम्स, द गेम्स मेक अस स्ट्रांग एंड हेल्दी, जो गेम होता है वो हमको क्या बनाते हैं, स्ट्रांग और हेल्दी। बुक, इट इज माई बुक। नेक्स्ट है फुटप्रिंट, लूसी पेरेंट्स सॉ द फुटप्रिंट ऑन द स्नो, जो लूसी के पेरेंट्स थे उन्होंने क्या देखे थे, फुटप्रिंट देखे थे बर्फ पर। क्लेवर, सुरेश इज वेरी क्लेवर बॉय, सुरेश जो है वो बहुत ही चालाक बच्चा है। स्वान, अ स्वान इज अ वाइट लार्ज हैंडसम बर्ड, स्वान जो होती है, बर्ड जो होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। स्ट्रोम, ऑल ऑफ सडन स्ट्रोम अरोज, अचानक से जो था तूफान आया। वरिड मतलब चिंतित, पेरेंट्स वर वरिड ऑफ लूसी, जो लूसी के पेरेंट्स थे वो किसके लिए, लूसी के लिए बहुत चिंतित थे। अरेंज्ड, अवर स्कूल अरेंज्ड अ फुटबॉल मैच, हमारा स्कूल था उसमें क्या हुआ, फुटबॉल मैच का अरेंजमेंट हुआ था। बैड रेस्ट, यू मस्ट गो टू बेड एंड टेक अ बैड रेस्ट, ठीक है। क्रैप, द क्रैप किल्ड द विकेट क्रेन, जो क्रैप था उसने विकेट क्रेन को, मधुष्ट क्रेन को मार दिया। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर बिकेम अ फेमस फॉर हिज साइंस, जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपनी साइंस के लिए फेमस था। कनाडा, कनाडा इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, जो कनाडा एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। नेक्स्ट है कैप्टन, द कैप्टन शोक देयर, जो कैप्टन थे उन्होंने आपस में हाथ मिलाया। अब क्या आपको वर्ड्स दिए होंगे, उनको आपके अपोजिट वर्ड लिखने होंगे। स्टैंड का सेट मतलब बैठ जाना, आइडली मतलब एक्टिव होना, तो आइडली मतलब आलसी, तो उसका क्या हो जाएगा, एक्टिवली। सम मोर, सम मतलब कम, मोर मतलब ज़्यादा। ग्रेटर का लेसर, ग्रेटर मतलब ज़्यादा, लेसर मतलब कम। फॉर्चून बैड लक, फॉर्चून मतलब आपका भाग्य, बैड लक। नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा। फाइंड खोजना, लॉस मतलब जगह भूल जाना। एनीवेयर नो वेयर, अब है कंप्लीट द मिसिंग लेटर, यहाँ पे आपको जो स्पेलिंग्स होंगी उनमें डैश दिया जाएगा, तो वो आपको सारी की सारी स्पेलिंग पूरी प्रॉपर लर्न करनी। जैसे सडनली, SUDDENLY, सडनली। नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। ड्रोन, DROWNED, ड्रोन। रीच्ड, सर्च, सॉरी SEARCHED, सर्च। अग्रीड, AGREED, अग्रीड। अबेटेड, ABATED, अबेटेड। डेस्टिनेशन, DESTATION। फ॔रकास्ट, FORCEST, फॉरकास्ट समथिंग, SOMETHING, समथिंग। नेक्स्ट रिवीजन असाइनमेंट 5 है, जिसमें हमने आपको ट्रू फॉल्स भेजे। अब क्या है, फर्स्ट ट्रू फॉल्स में लूसी वैन टू हर स्कूल एवरी डे, जो लूसी थी वो डेली स्कूल जाती थी, नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। लूसी फैल इनटू द रिवर एंड डाई, जो लूसी थी वो नदी में गिर गई और मर गई, मतलब ट्रू। पीपल से दैट हर सॉन्ग इकोज इन द एयर। नेक्स्ट है लूसी फैल इनटू द रिवर एंड डाई, जो लूसी थी वो नदी में गिर गई और मर गई, मतलब ये सही स्टेटमेंट है, यहाँ ट्रू लिखेंगे। पीपल से दैट हर सॉन्ग इकोज इन द एयर इवन टुडे, लोग कहते थे कि आज भी जो लूसी के सॉन्ग है वहाँ हवा में गूंजते, ये सही बात थी। लूसी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि लूसी के कोई भी फ्रेंड नहीं थे। द गेम कुड, द क्रेन कुड ईट ओनली द क्रैब इन द एंड, फॉल्स, क्योंकि लास्ट में क्रैब ने ही क्रेन को मार दिया था। द फिश नेवर वॉन्टेड टू गो एनीवेयर एलास, रॉन्ग, क्योंकि सारी के सारे फिश दूसरी जगह जाना चाहती थी। मैनी फिश लिव्ड इन द पॉन्ड, बहुत सारी फिश एक साथ रहती थी, ट्रू। द क्रेन वॉन्टेड टू ईट ऑल द फिश, ट्रू, क्योंकि सभी की सभी क्रेन जो है वो सभी की सभी फिश को खाना चाहता था। द एस्ट्रोलॉजर वॉज वेरी फेमस फॉर हिज साइन, जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपने काम के लिए बहुत फेमस था, ट्रू, ये सही स्टेटमेंट है।
द एस्ट्रोलॉजर रिक्वायर्स समर टू अकंपनी हिम टू हरिद्वार फॉर बाथिंग। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर था वो जो समर था वो एस्ट्रोलॉजर के साथ हरिद्वार गंगा नहाना चाहते थे। ट्रू स्टेटमेंट। समर डिड नॉट लाइक द सीनरी अदर थिंग्स एट हरिद्वार। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि समर को हरिद्वार की सभी चीज़ें पसंद आई थी। नेक्स्ट है समर कुड नॉट बिकम अ पॉपुलर इन मारावार। एस्ट्रोलॉजर कुड नॉट बिकेम पॉपुलर इन मारावार। जो एस्ट्रोलॉजर थे कि अब मारावार में जाकर फेमस नहीं होते, नहीं, वो मारावार में भी जाकर बहुत फेमस हो गए थे। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब है आपको सिमिलर साउंड, मिलते जुलते साउंड वाले वर्ड्स लिखने, जैसे डेयर हेयर केयर, फियर हियर टीयर, कैन पैन टैन, वाइन शाइन नाइन। मतलब ये क्या है, इन सब की साउंड आपस में मिलती जुलती सी है। अब है मैच द फॉलोइंग। हर फ्रॉक वॉज ग्रीन। ग्रीन फ्रॉक कैसी होती है, ग्रास की तरह। हर लिप्स वर रेड, रोज की तरह। हर हेयर वर ब्लैक, डार्क नाइट। हर लैक्स वर लॉन्ग ट्री। हर फेस वॉज ग्लोइंग द सन। डिस्यूट डाइवर्ट होता है, डिप्रेस डाइवर्ट, डिवोटेड एट अप, ऑल्टर्ड चेंज्ड, अप्रिशिएटेड डिजेक्टेड, माइटी वेरी लास्ट। तो ये हमारे दो असाइनमेंट थे 4 और 5, जिसमें मैंने आपको ट्रू फॉल्स, मैचिंग, राइमिंग वर्ड्स, ये सारी की सारी चीज़ें डिक्टेट की हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।